सर, मेरा नाम संदीप है, न्यूज़ 18 इंडिया से। मेरा सवाल है वायुसेना प्रमुख से। सर, चूंकि सेना में जो यूथ आता है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल जॉब, एक पेंशनेबल जॉब के की सोच से आता है, ये जो नई स्कीम है वो किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि ना तो अब इसमें स्टेबिलिटी सिर्फ 4 साल की है और पेंशन इसमें है नहीं। देखिए, आज भी क्या होता है कि 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हायर स्टडीज़ परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन सभी 12th पास है। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम 3 अपॉर्चुनिटीज़ कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज़ स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न फेयरली गुड सैलरी विथ अ गुड यू नो बैंक बैलेंस एट दी सेविंग्स एट दी एंड ऑफ हिज 4 ईयर टेन्योर। इसके साथ साथ उसका स्किलिंग भी हो रहा है, जो कि बाहर अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी। साथ साथ स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज़ हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियाटिज़म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज़ अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सेलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। जो बाहर जाता है ही इज़ अ मच मोर कॉन्फिडेंट एंड स्किल्ड यूथ who can face the challenges of the world.